गुड मॉर्निंग एवरी वन तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब में जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए फिर हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और एक बार मेरे को बता दीजिए मेरी आवाज और वीडियो दोनों आप तक पहुंच रहे कि नहीं फिर आज के आज के सेशन में मैं बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूँ ठीक है ना अच्छे अच्छे सवाल जो मतलब पेपर में आने के जिसके पूरे पूरे चांसेस रहेंगे ठीक है एक बार सभी लोग बता दो क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको फटाफट क्या मेरी आवाज सही बच्चे तक पहुंच रही है कि नहीं गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग एवरी वन एवरी वन गुड मॉर्निंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्लियर वॉइस है ठीक है तो चलिए फिर आज के सेशन को शुरू कर रहा हूँ मैं ठीक है आ, और आज का जो सेशन मैं शुरू कर रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ ठीक है जो कि देखिए बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये है ना आपको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए इस लाइन से क्या है ये लाइन सभी लोग ध्यान से सुनना कह रहा है सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज दे वेरी इन देयर डिजायर टू रीच देयर पोटेंशियल जो कि जॉन मैक्सवेल ने बोला है ठीक है देखिए सफल इंसान और असफल इंसान की हम बात करें उन दोनों में अंतर क्या होता है एक तरह से यही एक लाइन में बताई गई ये बात सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति दोनों की जो क्षमता होती है दोनों की जो क्षमता होती है काम करने की बहुत ज्यादा अलग नहीं होती है दोनों की क्षमता बराबर होती है लेकिन क्यों कोई सफल हो जाता है और क्यों कोई असफल रह जाता है इसका मूल रूप से कारण यह है कि आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है वो कितनी है यही भिन्नता जो है दोनों व्यक्तियों को अलग कर देता है ठीक है ना तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको अपने सिलेक्शन को जुनून बना लेना है ये जान लीजिए मेहनत हर बच्चा कर रहा है लेकिन जीतता वही है जिसके अंदर अपने एम को लेकर एक जुनून पैदा हो चुका है ठीक है ना तो याद रखिएगा सफलता उसी को मिली है जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है और जो व्यक्ति जुनूनी है तो चलिए हम लोग इस खूबसूरत लाइन के साथ जो है आज के सेशन को शुरू करते हैं ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये लाइन अच्छी लगी होगी और इससे कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा और प्रेरणा भी मिली होगी ठीक है तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि काफी आसान सा सवाल है और एक बार भाई सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ठीक है फिर मैं शुरू करता हूं ठीक है और सभी लोग एक बार लाइक कर दो और सभी लोगों को एक बार शेयर भी कर दीजिए फटाफट चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है कह रहा है चीनी की कीमत 25 परसेंट बढ़ जा रही है यदि एक परिवार उन उनके चीनी के खर्चे को पहले की तरह समान रखना चाहता है तो परिवार को चीनी की खपत कितनी कम करनी होगी ये आपसे पूछा है ठीक है यानी कि जैसे मान लीजिए चीनी पे पहले सौ रुपया खर्चा होता था अब पच्चीस परसेंट बढ़ गया यानी कि एक सौ पच्चीस होना चाहिए लेकिन परिवार कह रहा है कि नहीं हम तो सौ ही करेंगे तो यानी कि कितना कम करेगा पच्चीस कम करेगा किस पे एक सौ पच्चीस पे गुणे में सौ पच्चीस के पहाड़े में पांच बार में सवाल का उत्तर बीस परसेंट ठीक बी ऑप्शन करेक्ट आंसर खत्म गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग एवरी वन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल ये कह रहा है कि बताओ छ बटा पांच और आठ बटा पच्चीस का एलसीएम क्या होगा ठीक है तो बताओ कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना होता है तो क्या करते हैं ऊपर वाले का एलसीएम तो छ और आठ का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई चौबीस और नीचे वाले का SCF, और पच्चीस कैसी चौबीस पांच आंसर खत्म ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन और भी बच्चों को जोड़ो ना यार अच्छा नहीं लगता बताओ इतनी सुंदर सुंदर स्लाइड में बना के लेके आता हूं आज देखो इस स्लाइड में मैंने ये जोड़ दिया देख रहे हो ये दिख रहा है यहां पर आप लोगों को ये दिख रही है ट्रेन यही लक्ष्य है तुम्हारा इसीलिए जोड़ा है इसको ठीक है बहुत समय लगता है ये स्लाइड बनाने में ये जान लीजिए आप कभी एक सवाल का सिर्फ इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करिएगा आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में देख लेना कि कितना ज्यादा मेहनत है और फिर उसके बाद उसको एक सवाल को बस स्लाइड में बना के देखेगा कितना ज्यादा मेहनत है और आप हो कि आते नहीं हो चलो कह रहे है, एक कार के पहिये का ब्यास ट्वेंटी वन सेंटीमीटर है छाछ किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा कार का चालक गंतव्य तक पहुंचने में छब्बीस छत्तीस सेकेंड लेता है यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगा यह सवाल पूछा है ठीक है तो बच्चों हम्म बच्चों देखो अब यहां पर सवाल में जो बात कही गई है ठीक है यहां पर जो सवाल में बात कही गई है हम लोग जरा थोड़ा सा उसको समझते हैं भाई जैसे मान लीजिए कार का पहिया है हमने ये बोला एक ई जो है एक कार का पहिया है तुम्हार ठीक है तो ये हमने पहिया बना दिया अब बताओ बच्चों कि ये जब एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में ये अपने परिधि यानी सरकम के बराबर का दूरी तय करेगा सरकम के बराबर का दूरी तो ये बताइए पाई लिख सकता हूं तो कुल मिलाकर बताओ ये पाई डी होगा हमें पता है कि ये बताओ कि 22 बटे सात गुणे में डायमीटर इसका 21 सेंटीमीटर दिया है तो सातिया 21 यानी कि बताओ 66 सेंटीमीटर एक चक्कर पूरा लगाएगा तो छाछ सेंटीमीटर घूमेगा ठीक है अच्छा अब बताइए कि 36 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू तो स्पीड इनटू टाइम स्पीड जो है वो दिया है, पांच बटे अठारह से गुणा करोगे ताकि मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए और समय 36 सेकंड दिया है तो 18 के पहाड़े में दो बार में पांच दिन दस यानी कि छे मीटर सुनते रहना भाई ठीक है छे मीटर 660 मीटर जो है वो इतना दूरी तय करेगा अब तुम खुद सोचो अगर मीटर कुल दूरी तय करेगा और एक बार घूम रहा है तो छाछ सेंटीमीटर दूरी तय कर रहा है तो 660 मीटर चलने में कितना दूरी तो क्या करोगे 660 मीटर को छाछ से भाग दोगे लेकिन 66 सेंटीमीटर में है ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करोगे छाछठ जो है ये कितने बार में जाएगा बताओ दस बार में गया सवाल का उत्तर बताओ एक हजार आएगा कि नहीं आएगा यानी कि डी ऑप्शन सही जो पांच सौ जवाब दिया है गजनी भाई ने गलत दिया था गजनी भाई ने अपना देखो मैसेज डिलीट भी कर दिया विनय ने बिल्कुल सही जवाब दिया एक हजार होगा मेरे भाइयों आंसर एक हजार ठीक है एक हजार होगा आंसर हम्म बहुत बढ़िया चलो अगला सवाल अच्छा मैं देखता हूं जब कोई एक बच्चा आंसर दे देता है ना फिर लाइन से आंसर आते हैं और अगर कोई एक भी नहीं देता है ना तो किसी के आंसर नहीं आते ये क्या है इसके पीछे की क्रोनोलॉजी मेरे को समझाइए आप लोग चलो अब ये सवाल देखो कह रहा है एक कॉलेज है जिसमें कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात पांच और तीन का दिया है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात पांच तीन है और लड़कियों और टीचर का अनुपात सात एक है ठीक है ये पांच और ये तीन है ये टीचर है लड़कियों का अनुपात सात है तो टीचर का एक है ठीक सवाल में बोला है कि बताइए स्टूडेंट और टीचर का बच्चों स्टूडेंट में आपके लड़के लड़कियां दोनों आ जाएंगे और टीचर में तो टीचर ही रहेंगे ठीक है तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करके निकाल लो बताओ यहाँ पर इसको सात से गुणा कर दो ये भी सात से गुणा होगा ये किससे से तीन से ये भी तीन से ठीक है तो बताओ ये सात पच्चे पैंतीस और ये कितना हो जाएगा इक्कीस और ये हो जाएगा कितना मेरे भाई तीन क्लियर अब जरा बताओ स्टूडेंट की बात करेंगे तो बताओ पैंतीस और इक्कीस को जोड़ना पड़ेगा तो पाँच और पाँच एक छः तीन दो पाँच छप्पन ये हो गया और ये बताइए ये कितना टीचर तीन तो छप्पन रेशियो तीन है कि डी ऑप्शन सही जवाब ठीक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई छप्पन रेशियो हो तीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन ओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर अच्छा। कह रहा है एक एंगल जो है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का संपूरक का बच्चों संपूरक का कहानी ये होता है कि दो एंगल का योगफल 180 डिग्री पूरक का कहानी ये होता है कि दो एंगल का योगफल 90 डिग्री होता है कल के सवाल में शायद वही था सवाल ये कहा था कि एक कोण इसके संपूरक का पांच बटे सात है ठीक है तो बताओ कोण और उसका संपूरक क्या होगा तो ये मैंने ये कहा कि अगर कोण सेवन थीटा रहा होगा तो दूसरा वाला फाइव थीटा हो जाएगा क्यों क्योंकि पांच बटा सात बोला था इन्हीं दोनों का योगफल फल एक सौ अस्सी डिग्री दिया है बारह थीटा मेरे भाई एक सौ अस्सी डिग्री के बराबर तो थीटा मेरे भाई कितने के बराबर पंद्रह डिग्री के बराबर थीटा अगर पंद्रह डिग्री के बराबर तो एक कोण हो जाएगा पचहत्तर डिग्री और दूसरा कोण हो जाएगा एक सौ पांच डिग्री डी ऑप्शन ऐसा दिख रहा है सवाल का उत्तर हो गया खत्म मेरे भाई ठीक है ठीक है बोलो ठीक है ना बोलो 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 ठीक है अगला सवाल दो वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर आठ परसेंट प्रतिवर्ष की दर पर वास्तविक साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर चालीस रुपए है राशि बताओ क्या होगी ए राशि कुकर से सीटी निकाल दिया सॉरी चने निकाल दिया ना ओके okay. चलो ये सवाल करते हैं बताइए है? फॉम्ला लगाना हो फॉम्ला लगा लो फॉमला आपको पता ही है कि डिफरेंस जो होता है चालीस बराबर में मूलधन आर बटा सौ का स्क्वायर ठीक है चार के पहाड़े में दो बार में चार के पहाड़े में पच्चीस बार में ठीक है चालीस बराबर में पी दो का स्क्वायर बच्चों चार पच्चीस का होता है छः सौ पच्चीस चार के पहाड़े में कितने बार में मेरे भाई दस बार में कमान सिक्स टू फाइव जीरो कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर क्लियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल ठीक है बताओ यार प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी आपको लगता है कि एनटीपीसी में आपका मैथ्स में एक भी नंबर में कटने दूंगा लग रहा है देख रहे हो प्रैक्टिस में इतना मैं अच्छा करवा दे रहा हूं और आप होगी पढ़ते नहीं ना बच्चे सोच रहे हो मेरे को आज भी वो बच्चा याद है जो बोला था एन के लिए सबसे पहले और आज तक वो नहीं दिखा मेरे को कभी क्लास में बात ये ना बच्चों मैं पढ़ाता हूं माहौल नहीं बनाता हूं बच्चों को चाहिए माहौल बनाना मेरी आदत है पढ़ाने की चलिए सवाल करिए फटाफट सभी लोग मुझे पता है कि इस सवाल में सभी के कलम काफी जो है रुक जाएंगे ठीक है लगता है मुझे खुद ही करवाना पड़ेगा चलो देखो इधर देखो भाइयों आपका एक टावर है, ठीक और यहां पर एक झंडा है टावर के ऊपर एक झंडा है ठीक है इस बिंदु से हम लोग इस बिंदु से हम लोग जैसा मतलब सवाल कह रहे इस बिंदु से हमने झंडे को बॉटम को देखा हमने झंडे को टॉप को देखा तो जब हम लोग बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है अल्फा मतलब ये एंगल हो गया मेरे भाइयों अल्फा ठीक है ठीक है ना ठीक है और जब हम लोग टॉप को देखें तो एंगल हमारा बन गया है बीटा ये एंगल हमारा बीटा हो गया भाई ठीक है ना अब सुनो मेरी बात अगर मान लीजिए ये ए है ये आपका बी है ये आपका सी है और ये आपका डी है ठीक है तो बच्चों ये बताओ अब यहां पर देखो अगर मैं इन ट्रेंगल बात करूं B, C, बी सी डी की बीसीडी ट्रेंगल में अगर मैं आपसे बोलूंगा कि टेन अल्फा क्या होगा तो आप बोलोगे गुरु जी टेन अल्फा जो होगा अगर मान लीजिए कि ये आपको H दिया हुआ है झंडे का देखो यहाँ पे दिया ना। H, 8, H meter high. ये H दिया है ना ये ये की नहीं पता इसको मैं capital H नाम दे देता ठीक है मैंने नाम दे दिया ठीक है तो टेन इज इक्वल टू बचाओ बताओ बच्चो टेन अल्फा क्या हो जाएगा एच बटा बी सी होगा ना अरे बोलो ना होगा ना चलो उसके बाद ये बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूं कि बीसी बराबर में एच बटा टेन अल्फा होगा ठीक है अच्छा फिर उसके बाद देखो दूसरा ट्रेंगल इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल बड़का ए बी सी में ए बी सी ट्रेंगल में टेन बीटा जब लिखना चाहोगे मेरे भाइयों तो टेन बीटा जो होगा वो क्या होगा एच प्लस एच बटे में आ, कितना बी सी तो बच्चों यहाँ से देखो बी सी क्या आ रहा है यहाँ से बी सी आपका आ जाएगा एच प्लस एच बटे में टेन uh, बीटा अब बताओ ये भी बी सी वही है ये भी बी सी वही है तो क्या मैं इसको और इसको दोनों को आपस में बराबर कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ तो मैं लिखूंगा एच बटा टेन अल्फ़ा बराबर में एच प्लस एच बटा टेन बीटा ठीक है बताओ इस टेन बीटा को इधर गुणा इसको इधर गुणा तो मेरे पास आ जाएगा एच टेन बीटा बराबर में एच टेन अल्फ़ा प्लस एच टेन अल्फ़ा ठीक है अच्छा बताइए इस इन भाई साहब को इधर लेके आ जाओ तो इन भाई साहब को इधर लेके आओ तो एच यहाँ भी एच यहाँ भी है तो यानी कि एच को ले लो कॉमन तो आपके पास आएगा टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा इज इक्वल टू एच टेन अल्फा तो ये बताओ कि यहाँ से आपके पास एच जो निकल के आएगा मैं साइड हो जा रहा हूँ एच निकल के आ जाएगा आपके पास एच टेन अल्फा बटे में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा ठीक है तो बच्चों ये इस सवाल का आंसर हो गया यानी कि एच टेन बटे में टेन बीटा माने कौन से भी दिख रहा है ए ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है मैं साइड हो जा रहा हूं बताओ भाई क्लियर है बताइए अरे का करोगे नाम जान के छोड़ो ना पढ़ाई करो ना मैं तो लेके आ रहा हूं ना तुम्हारे लिए मैं तो जस्ट एक बात कहता हूं कि मतलब बच्चे जब मतलब डिमांड करते हैं तो मतलब पढ़ने आते क्यों नहीं है ठीक है आप लोग आओ यार बच्चों पढ़ने आओ बस सीधा सीधा आप लोग देखो आप पढ़ने वाले बच्चों आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए ठीक है ना कौन बोला कौन नहीं बोला मैं तो बस एक बात कहता हूं कि हाँ देखो मतलब बच्चे ऐसे ऐसे कहते हैं लेकिन आते नहीं है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे ठीक है ये सवाल देखिए ये सवाल अगर आप लोगों ने मेरे से एस सी एफ एल सी एम पढ़ा होगा तो आप लोग इसको देखते ही टिक कर देते ठीक है बाकी वैसे आ, मैं आप लोगों को पूरा तरीका बता देता हूं सवाल क्या कह रहे वट इज द लिस्ट नंबर सबसे छोटी सी छोटी संख्या बतानी है जिसको हम लोग पांच से सात आठ से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हर बार तीन आना चाहिए लेकिन वो संख्या नौ से डिवाइड होनी चाहिए मेरे भाई ठीक है ठीक है चलो अब बताओ बच्चों हम लोगों को सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करना होता है एलसीएम लेना होता है बाकी देखो आप इसको ऑप्शन से करो सबसे बेटर रहेगा भाई आप लोग इसको बच्चों ऑप्शन से कर लेना सबसे बेस्ट वो तरीका है ठीक है ना बाकी मैं मेथड बता रहा हूं LCM लोगे तो बताओ पांच छह सात आठ का एलसीएम आता है आठ ठीक है यानी कि आठ 840 जो है वो पूरा पूरा पांच छे सात आठ से डिवाइड हो जाएगा ठीक है लेकिन ये कह रहा है कि हर बार तीन का रिमाइंडर बसना चाहिए अगर हर बार तीन का रिमाइंडर बसना चाहिए तो मेरे भाई ये तीन इसमें जोड़ो ना यानी कि आठ ठीक है लेकिन इसका कहना है कि वो संख्या जो होनी चाहिए वो नौ से डिवाइड भी होनी चाहिए बच्चों ये बताओ कि मतलब जो भी संख्या होनी चाहिए मेरी बात ध्यान से सुनना जो भी संख्या होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आठ के प्लस थ्री के फॉर्मेट में होनी चाहिए अब करेगा कि वो नौ से डिवाइड होगा कि नहीं होगा अब ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा बच्चों ये बताओ कि जब आप लोग 840 को जरा नौ से डिवाइड करो 840 को नौ से डिवाइड करो ठीक है तो 840 नौ से डिवाइड नहीं होने वाला ठीक है ना आप करके देख लीजिए चाहे तो ठीक है ना करके देख लीजिए अब आठ सौ से डिवाइड नहीं होगा रिमाइंडर छोड़ेगा लेकिन हाँ एक संख्या है 837 ये 837 जो है 840 से डिवाइड पूरी तरीके से हो जाएगा सॉरी 9 से डिवाइड पूरी तरीके से होगा क्या मैं ये पूरे को ये लिख सकता हूं 800 के प्लस 3 के प्लस 3 यानी कि ये बताओ कि जो 837 है ये पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है के का मैं मान डिसाइड यहां से करूंगा अब जरा बताओ कि के का मान क्या रखूं जिससे कि पूरा का पूरा इतना भाग जो है वो नाइन से डिवाइड हो जाए तो के अगर मान लीजिए दो रखता हूं तो दो तीन छ प्लस तीन नौ यानी कि के का मान मेरे को क्या रखना होगा दो रखना होगा अगर के का मान जैसे ही दो, दो रखना है तो बताओ बच्चों नंबर का ये फॉर्मेट था कि नहीं था तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आठ सौ चालीस इंटू कि सोलह सो अस्सी प्लस तीन सवाल का उत्तर सोलह सौ तिरासी सी ऑप्शन आपका सही जवाब ठीक है देखो भाई वीडियो शेयर करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं जाय सी बात है भाई हम लोग बहुत अच्छी चीजें दे रहे हैं आप लोगों को अब आप लोगों को ये भले लगता हो नहीं लगता हो, वो बात अलग है आप लोग वीडियो को देखते हो नहीं देखते हो ये बात अलग है देखिए हम हम लोग टीचर हैं हमारा काम है पढ़ाना तो हम तो पढ़ाएंगे आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए हमें उससे मतलब नहीं है ठीक है भाई हम आपको एक अच्छा पढ़ा सकते हैं अच्छा कंटेंट दे सकते हैं लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना ठीक है तो वीडियो शेयर करना ना करना ये भी आप पे निर्भर करता है अब करते हैं तो भाई अच्छी बात है नहीं करते तो हम उसमें क्या कर सकते हैं तो भाई बस बोल सकते हैं आप लोगों को ठीक है और लेकिन देखो मेरे को एक चीज़ ये भी पता है कि हमारे बच्चे जो है हमारे प्रति बहुत ज्यादा मतलब समझ लीजिए हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ठीक है बहुत ईमानदार भी हैं अन्य अगर टीचर्स और बच्चे के रिलेशन की बात करें तो हमारे जो रिलेशन है हमारे बच्चों के साथ काफी अच्छे हैं ठीक है तो मुझे पूरा विश्वास रहता है आप लोगों पे कि आप लोग वीडियो वगैरह हमारी शेयर जरूर करते होंगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर चलो अब देखो यह सवाल क्या है बताओ क्या वैल्यू है .04 का स्क्वायर तो बच्चों ये .04 का स्क्वायर है .04 का मतलब क्या है गुड मॉर्निंग .04 का मतलब है 0.16 ठीके? और पॉइंट जीरो फोर का स्क्वायर क्या क्या मतलब है बताइए तो ये है बच्चों आपका जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सिक्स ठीक है और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या है जीरो पॉइंट जीरो, जीरो 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 वन सिक्स चार दो छः ठीक है तो अब इसको जोड़ना है सवाल का खेल खत्म ठीक है इसको जोड़ के बस सवाल आपका खत्म हो जाएगा ठीक है तो अब बताओ बच्चों अगर इसको जोड़ना है तो एक काम करो ना सीधा सीधा लिखो जीरो पॉइंट जीरो 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 वन सिक्स और फिर उसके बाद जीरो पॉइंट ये कितना जीरो जीरो वन सिक्स और फिर उसके बाद जीरो पॉइंट वन सिक्स ठीक जोड़ दो ये देखो छ एक छाइंट जीरो जीरो पॉइंट वन सिक्स वन सिक्स वन सिक्स जीरो पॉइंट वन सिक्स वन सिक्स वन सिक्स कहां दिख रहा है ये रहा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक बिल्कुल सही ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है बहुत बढ़िया चलिए ये क्वेश्चन करिए सभी बच्चे फटाफट ये सवाल करिए सभी लोग फटाफट से क्या कह रहे हैं कह रहे है एक क्लास है जिसमें पचपन बच्चे हैं और चौंतीस लड़कियां हैं ठीक है पचपन बच्चों में चौतीस लड़कियां हैं भाइयों ठीक है पचपन बच्चों में चौतीस लड़कियां हैं और लड़कियों का औसत 51 है और पूरी क्लास का पचपन दशमलव दो है तो बताइए लड़कों का कितना होगा यार ये सवाल तो आप लोग करके मेरे को बताओगे ये सवाल आप बताओगे मेरे को हम नहीं बताएंगे आप लोग बताओगे आप लोग बताओ फटाफट जल्दी बताओ भाई देखो पचपन है पचपन में से लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी लड़कियां चौतीस है तो पांच में चार गया एक और पांच में तीन गया दो ठो जो है लड़के हैं अच्छा इक्कीस और चौंतीस तो किसी से कटता तो है नहीं ठीक है अब बोला एवरेज वेट ऑफ दिस गर्ल्स इज फिफ्टी वन लड़कियों का एवरेज है फिफ्टी वन और लड़कों का जो एवरेज है सॉरी फुल क्लास का जो एवरेज है वो 55.2 है तो बताइए लड़कों का एवरेज क्या होगा बच्चों देखो ये मेरे वाले तरीके से करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे ठीक है मेरा वाला तरीका आप लोगों को पता ही है कि भाई देखो लड़के इक्कीस हैं ठीक है ठीके? इनका एवरेज हमें पता नहीं है लड़कियाँ हमारी चौंतीस है ठीक है इन लड़कियों का जो एवरेज है कितना है यार कितना है फिफ्टी वन है ठीक है ये फिफ्टी वन है अच्छा पूरे पचपन का कितना एवरेज है पूरे पचपन का फिफ्टी फाइव पॉइंट टू के जी ठीक तो ये बताओ कि ये फिफ्टी वन फिफ्टी फाइव पॉइंट टू से कितना कम है बताओ यही ना मेरा मेथड होता है बताओ बोलो भाई बताइए तो चलो फिलहाल मैं करके दिखा देता हूं तो ज़रा बताओ कि ये कितना कम होगा तो ये होगा गुरु जी फोर पॉइंट टू और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे चौंतीस से 34. अच्छा ये कितना ज़्यादा है तो हमने कहा एक्स ज़्यादा है और मल्टीप्लाई कितना इक्कीस ठीक ओवरऑल क्या लिखोगे जीरो याद आया क्या ये मेथड याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो याद आ रहा है ना अब बताओ बच्चों इसको मल्टीप्लाई मत करो छोड़ दो ऐसे ही इक्कीस एक्स बराबर में इसको हम ये लिख सकते हैं फोर्टी टू इंटू चौंतीस और यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे दस लगा दो तो इक्कीस के पहाड़े में कितने बार में दो बार में इक्कीस के पहाड़े में दो बार में तो ये बताओ दो से चौंतीस uh, दुनी अड़सठ यानी कि x इज इक्वल टू अड़सठ बटा यानी कि 6.8 ये 6.8 प्लस का तो 55.2 में अगर तुम 6.8 जोड़ दो तो बताओ जैसे ही तुम 55.2 में 6.8 को जोड़ोगे तो बताओ सवाल का उत्तर आ नहीं गया छः पाँच ग्यारह यानी कि दो यानी कि पाँच एक छः यानी कि बासठ बासठ इसका सही जवाब होगा यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक ए ऑप्शन सही जवाब क्लियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एलिगेशन से भी हो जाएगा रमेश चंद्रा एलिगेशन से भी हो जाएगा लेकिन बच्चों एलिगेशन थोड़ा सा देखो कठिन पढ़ रहा होगा है ना मैं आप लोगों को करके दिखा भी देता हूं ठीक है एलिगेशन से भी हो ही जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लो एलिगेशन अगर आप कह रहे हो आपने आप एलिगेशन नाम ले लिया तो मेरी भी आत्मा जाग चुकी है एलिगेशन के लिए मैं दिखा देता हूँ करके एलिगेशन से भी ठीक है लेकिन देखो ये मेथड जो है ना बेस्ट है ये जान लीजिए जा। ये मेथड बच्चों बेस्ट है अच्छा ये बात मेरे को बड़ा मतलब जान के अच्छा लगता है कि जैसे आप लोगों के दिमाग में अपने आप आता है कि सर एलिगेशन से ये जान के अच्छा लगता है बच्चों ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ तभी है जब आप राइट ब्रदर्स के स्टूडेंट हैं कि बच्चा खुद ये बता दे कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा ठीक है चलिए फिलहाल एलिगेशन से भी बच्चों देख लो यहाँ पर आ, ये बताइए गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना दिया है तो गर्ल्स का एवरेज आपको दिख रहा है कि फिफ्टी वन दिया ठीक है गर्ल्स कितनी है हमारी चौंतीस है चलो बॉयज़ का एवरेज हमें पता नहीं है एक्स मानेंगे ओवरऑल कितना है फिफ्टी फाइव पॉइंट टू ठीक एलिगेशन लगा दो तो ये एक्स माइनस फिफ्टी फाइव पॉइंट टू हो जाएगा और ये देखो 55.2 और माइनस 51 तो ये हो जाएगा बच्चों 4.2 और ये बताओ ये किस रेशियो के बराबर होगा चौंतीस रेशियो इक्कीस के बराबर होगा तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे x माइनस फिफ्टी फाइव पॉइंट टू बटे में फोर पॉइंट टू इज इक्वल टू फोर पॉइंट सॉरी चौंतीस चौंतीस और बटे में इक्कीस सॉल्व कर लो बच्चों आंसर देखो आ जाएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप यहां से एक, का वैल्यू निकालो ना सीधा आंसर में दे देगा ठीक है तो ऐसे भी कर सकते हो हाँ, एलिगेशन से वही मैं कह रहा ना एलिगेशन से थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा होगा लेकिन जो मैंने मेथड बता रखा है उससे कैलकुलेटिव नहीं होगा ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए सभी लोग अगला सवाल कह रहा है कि एक आदमी 60 परसेंट अपनी इनकम खर्च करता है और बाकी सेव करता है बताओ कल ही कल हमने इस तरह का सवाल डिस्कस किया था तो बताओ सौ रुपये कमाएगा साठ रुपये उड़ाएगा साठ रुपये उड़ाएगा और चालीस रुपये बचाएगा ठीक है चालीस रुपये बचाएगा ठीक अगर आय बीस परसेंट बढ़ गई आय बीस परसेंट बढ़ गई आय बीस परसेंट बढ़ गई यानी कि बीस रुपये बढ़ गए ठीक और खर्चा बीस परसेंट कम हो गया खर्चा बीस परसेंट कम हो गया यानी कि बीस रुपये कम हो गया सॉरी बारह रुपए कम होगा ना ठीक है बीस परसेंट साठ का कितना होगा बारह रुपए बारह रुपए कम हो गया ठीक तो बीस रुपए ज्यादा इनकम हो गई बारह रुपए खर्चा कम हो गया तो कहीं ना कहीं बचवा जो है आ, कितना बीस है ना चलो तो बच्चों ये बताओ कहीं ना कहीं इसका सेविंग में कहीं ना कहीं बढ़त हुआ होगा कि नहीं होगा बोलो तो सेविंग बताओ कितना बढ़ गया होगा बत्तीस रुपए बढ़ गया होगा सेविंग बत्तीस रुपए बढ़ गया होगा भाई बीस रुपए यहाँ इनकम बढ़ गई बारह उसने खर्चा और कम कर दिया तो बत्तीस रुपए और बत्तीस में देखो बारह जाता है बीस ही ना आता है बत्तीस रुपया सेविंग बढ़ा है किस पे बढ़ा है चालीस पे ना बूढ़े में क्या कर दो सौ बीस के पहाड़े में बताओ दो बार में बीस के पहाड़े में कितने बार पांच बार में दो के पहाड़े में कितने बार में सोलह सोलह पांच कितना होता है अस्सी एट्टी परसेंट इंक्रीमेंट हुआ एट्टी परसेंट इंक्रीमेंट यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब 80 परसेंट होगा विनीत त्रिपाठी मुस्कान पटेल 20 नहीं होगा आ, देखो मुझे पता है कि ये जो बच्चे 20 जवाब दे रहे हैं कल मैंने एक बात उनसे बोली थी कि बच्चों ये 20 होगा अगर ये 20 होगा तो ये भी बीस ही होगा बेटा लेकिन आप लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि वहां 20 परसेंट बढ़ रहा है ये भी 20 परसेंट बढ़ रहा है तब 20 परसेंट बढ़ेगा यहां पर देखो कि एक 20 परसेंट बढ़ रहा है तो दूसरा 20 परसेंट घट रहा है ध्यान रखना इस बात का ठीक है इसी को कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जवाब बताओ भाई कुल मिलाकर समझ लीजिए फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है ये जो सामने आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आ, मेरे को इंतजार है कि आप मेरे को इसका जवाब देंगे जल्दी से जल्दी से फटाफट मेरे को जवाब दो इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ये देखो जवाब आना शुरू हो गया है तीस डिग्री एक बच्चे ने जवाब दिया है और मुझे जहाँ तक लगता है कि तीस सही भी होना चाहिए चलिए फिलहाल देखते हैं बताओ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वन बाई टू दिया है तो बताइए कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मला होता है कॉस डबल एंगल कॉस टू थीटा का कॉस टू थीटा वन बाई टू है तो ज़रा बताइए कि कॉस टू थीटा बराबर में इसको मैं कॉस सिक्सटी लिख सकता हूँ तो इसका मतलब टू थीटा बराबर में सिक्सटी डिग्री होगा तो टीटा बराबर में कितना होगा तीस डिग्री होगा टीटा बराबर तीस डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ए सही जवाब ठीक ए इसका सही जवाब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल ये मैंने डिजाइन करके दिया आप लोगों को है ना सवाल बहुत आसान है लेकिन मतलब इसकी जो डिजाइनिंग है ना वो थोड़ा सा मतलब बढ़िया करके दे दिया जिससे कि आप लोग मतलब इसमें आ, कर सको कह रहे है बच्चो एक्स स्क्स बाई एक्स अच्छा आप लोग ना देखना इस लेवल का पेपर जो है इतना सटीक पेपर पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं करवा रहा होगा इसका मैं वादा करता हूं ठीक है ना इतना सटीकता ये जान लीजिए मतलब मेरे पेपर करवाने में सटीकता इतनी है ना कि आप ये जान लीजिए अगर पूरे सेशन को कर लिए आप जब बच्चों पेपर देने जाओगे ना आपको पता लग जाएगा कि मैंने कितनी सटीकता रखी है पेपर के अंदर चलिए सवाल में बच्चों बोला है कि 2x एक्स इन टू एक्स माइनस वन बटे में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ठीक है देखो बच्चों यहां पर कहानी क्या है टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन है अगर सोचो कि यहां से मैंने एक्स स्क्वायर को ले लिया कॉमन तो जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा भाई एक्स माइनस वन बचेगा यहां से मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा एक्स माइनस वन बचेगा ठीक अब जरा बच्चों बताओ कि टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन यहां से एक्स माइनस वन कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे आएगा x minus one, x minus one, x minus one cancel हुआ, ठीक है, तो मेरे पास बचा कुल मिलाके 2x बटे में x square minus one। अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूँ, जैसे ही मैं x से डिवाइड करूँगा, तो ऊपर बचेगा 2, और नीचे बचेगा देखो ये x बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 1 by x, बस। सवाल यहीं पे खत्म होने वाला है। अब जरा बताओ कि x माइनस वन बाई एक्स यहां से निकल जाएगा तो बताओ x माइनस वन बाई एक्स यहां से निकालोगे तो अंडर रूट छे माइनस दो करोगे तो अंडर रूट छे माइनस दो चार यानी कि हो जाएगा दो तो इसका मतलब इसका वैल्यू बच्चों कितना आएगा दो तो दो बटा दो सवाल का उत्तर कितना एक यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब ठीक बी ऑप्शन सही जवाब बी ऑप्शन इज द सही जवाब ऑफ दिस सवाल बोलो बढ़िया सवाल था कि नहीं था देखने में आसान करने में भी आसान लेकिन हिम्मत में परेशान क्यों कह रहा हूं हिम्मत में परेशान क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये मेरे से होगा कि नहीं होगा बोलो भाई बोलो बढ़े अगले सवाल पे चलिए ये सवाल देखिए सभी लोग फटाफट तेरह का स्क्वायर ठीक है 169 होता है चौदह का स्क्वायर 196 होता है ये होता है टू एट्टी नाइन और यह ढाई सौ तो दिया ही, है, ये रूट एक्स दिया ही है सवाल का उत्तर आ जाएगा लो, ठीक है तो बच्चों सॉल्व किया जाए सॉल्व किया जाए अरे बताओ ना इसको घटा लो ना 289 में ढाई को घटाओ कितना पाओगे थर्टी नाइन पाओगे ना थर्टी नाइन नहीं आएगा हाँ थर्टी नाइन आएगा ठीक है सोलह में नौ गया सात और फिर आठ में छः गया दो ठीक ये माइनस का आएगा और ये प्लस का थर्टी नाइन बराबर में रूट एक्स थर्टी नाइन में सत्ताईस गया कितना बचेगा बारह ये रूट एक्स तो एक्स का मान एक सौ यानी डी ऑप्शन सही जवाब ठीक है डी ऑप्शन सही जवाब चलिए अगला सवाल सवाल कह रहे हैं दस आर्टिकल का सीपी जो है पंद्रह आर्टिकल एस के एसपी के बराबर है तो सवाल बहुत आसान है सीपी दस आर्टिकल का एसपी पंद्रह आर्टिकल के बराबर है पांच के पहाड़े में दो बार में पांच के पहाड़े में तीन बार में सीपी बटा एस देखो कितना आ जाएगा तीन बटा दो दो का सामान तीन में भी एक का फायदा बटे में दो गुणे में सौ सवाल का उत्तर पचास कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? सीपी तीन आ रहा है ना पाँच पांच दूनी दस पांच दिया पंद्रह सही तो है यार ऑप्शन में गड़बड़ है नहीं अच्छा हाँ यहाँ तीन आना चाहिए ना सॉरी 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 देखो तैतीस साइट एक बटा तीन आंसर आएगा डी ऑप्शन ठीक है तैतीस एक बटा तीन आएगा बिल्कुल सही मैंने आ, एस पी से तुलना कर दिया था चलिए अगला सवाल आ, बोल रहे द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लास्ट टू बच्चों लास्ट लिस्ट नहीं है ठीक है ना चार परसेंट अगले तीन साल के लिए पांच परसेंट आठ परसेंट पांच साल के बाद सात साल का ब्याज अगर सात सौ अस्सी होगा तो मूलधन बताओ मेरे भाइयों कितना होगा चार परसेंट दो साल आठ परसेंट ब्याज होगा मैंने इसका तरीका बहुत सिंपल बता रखा है ठीक है अच्छा पाँच परसेंट तीन साल यानी कि पंद्रह परसेंट ब्याज होगा ठीक है प्लस आठ परसेंट पाँच साल के बाद अच्छा ये बताइए कि ये तीन साल है आपका ये दो साल है आपका टोटल हो गया पाँच साल पाँच साल और ये सात साल है बचा कितना दो साल दो साल आठ ब्याज सोलह कुल मिलाकर कितना ब्याज सात ठीक है अब जरा बताओ कि पंद्रह और सोलह कितना होता है इकतीस इकतीस और आठ थर्टी नाइन थर्टी नाइन परसेंट आपको सात सौ अस्सी दिया है सवाल में मूलधन पूछा है यानी का मान निकालेंगे. क्या सात सौ अस्सी मल्टीप्लाई सौ ठीक है थर्टी नाइन के पहाड़े में दो बार में सवाल का उत्तर दो हजार दो हजार यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब ठीक है हाँ ठीक है मैं बता दूंगा रमेश चंद्रा ठीके? अच्छा मैं ए, सोच रहा हूं एक दिन एक काम करते हैं लेकिन अब बस आप लोग मचाना ठीक है ना एक दिन एक दिन काम करते हैं कि डाउट क्लास रखते हैं मतलब उस दिन मैं लाइव डाउट आपके लूंगा लेकिन आप लोग क्या करना कि आप लोग अपने जो भी सवाल है उसको इकट्ठा कर लेना ठीक है ना अब देखो भाई सबके एक साथ तो ले नहीं सकता मैं बारी बारी से ही लूंगा आप लोग अपने सवालों को इकट्ठा कर लेना ठीक है जिसके भी जो भी डाउट्स हैं उसको इकट्ठा करके रख लेना उस दिन सिर्फ और सिर्फ मैं डाउट ही क्लास लूंगा और कुछ भी नहीं लूंगा ठीक है तो उस दिन में क्या करेंगे कि आप जो भी डाउट तो मेरे को भेजोगे और जो आप लोग डाउट भेजना वो मेरे को टेलीग्राम पे भेजना ठीक है टेलीग्राम ग्रुप जो भी बना हुआ है राइट ब्रश का उस पर भेजना और वहां से मैं उठा उठा के आप लोगों को सवाल बताते जाऊंगा ठीक है लाइन बाय लाइन अब यह मत छीछा लीदर मत कि सर मेरा पहले मेरा पहले ठीक है मैं मैं लाइन वाइज उठाते जाऊंगा ठीक है चलिए करते हैं द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाई ट्वेल्व स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर बच्चों यहां पे जो मीन कह रहा है ना ये कुछ नहीं है ये एवरेज ही आपका और मीन ऑफ अनदर क्लास पंद्रह स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक बारह बच्चों की क्लास है जिसमें कि एवरेज है 67.4 और एक पंद्रह बच्चों की क्लास है जिसमें कि एवरेज है 72.3 सवाल कह रहा है कि बताओ दोनों बच्चों का मिलाकर क्या, मिला क्या होगा ये बच्चों सवाल में आपसे पूछा है ठीक है दोनों बच्चों का एवरेज मिलाकर क्या होगा ठीक है तो ये बताओ मैंने बोला था ना तीन के पहाड़े में इसको काट के छोटा कर लो तीन चौके बारह तीन पचे पंद्रह ठीक है ये कर लिया इसके बाद बताओ इन दोनों के बीच में कोई नंबर सोच लो तो एक काम करते हैं इसके बीच में कोई भी एक नंबर सोच लेते हैं मान लीजिए मैंने सत्तर सोचा सत्तर सोच लिया अब जरा बताओ ये सत्तर जो है ए, बहत्तर पॉइंट तीन जो है सत्तर से कितना बड़ा है तो आप बोलोगे गुरु जी दो पॉइंट तीन बड़ा है दो पॉइंट तीन गुणा कितना कर दोगे पांच ठीक है ये बड़ा है तो प्लस कर दोगे ठीक है अच्छा उसके बाद बताओ सत्तर से ये कितना छोटा है है ना तो हाँ बिल्कुल बेहतर रहेगा ठीक है ना इस तरीके से मैं आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा ठीक है जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे लाइन बाय लाइन उसी टाइम भेजिएगा मैं सारे के सारे डाउट क्लियर करते जाऊँगा ठीक है तो बताओ बच्चों ये सत्तर से कितना छोटा है माइनस का टू पॉइंट ठीक तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का कितना छब्बीस दूनी तो बावन होता है और बावन दूनी एक सौ चार यानी कि ये हो जाएगा बच्चों टेन पॉइंट फोर और ये कितना हो जाएगा तेईस पच्चीस एक सौ पंद्रह यानी कि ये हो जाएगा ग्यारह पॉइंट ग्यारह पॉइंट में ग्यारह uh, पॉइंट में माइनस दस पॉइंट में चार गया एक और ये एक ठीक वन पॉइंट वन यानी कि सत्तर में वन पॉइंट वन और बटे में uh, कितना नौ no. तो बच्चों यहां से इतना कन्फर्म हो रहा है कि 70. पॉइंट समथिंग आंसर होगा यानी कि ऑप्शन तो टिक कर दो मत करो सॉल्व ठीक है सॉल्व मत करो अगला सवाल अब देखो ये सवाल जो है ना इतना आसान है इतना आसान है लेकिन इसके डाटा को मैंने बहुत ज्यादा इधर उधर करके ना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है डाटा को ऐसे बंटवारा करके एकदम मैंने कॉम्प्लिकेटेड सवाल को बना दिया है ठीक है लेकिन बहुत आसान सवाल है अभी देखेगा आप करके आपको पता लग जाएगा देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इक्कीस प्लस सी का होल स्क्वायर ठीक है लिखते जा रहा हूं मैं बी प्लस सी का होली स्क्वायर चलो मैं सीधा सीधा होल स्क्वायर लिख के ही सॉल्व कर देता हूं ठीक है बताओ ए प्लस बी का होली स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे ये ना करोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर में इक्कीस प्लस सी स्क्वायर ही जब इसका होल स्क्वायर जब बच्चों लिखोगे तो क्या लिखोगे ये निकोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी बराबर में बत्तीस प्लस ए स्क्वायर और जब इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू सी ए बराबर में अट्ठाईस प्लस बी स्क्वायर सभी को आपस में जोड़ दोगे तो देखो ये ए ए दो बार है यानी कि टू टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये देखो ये क्या है आपका टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में इसको जोड़ो तो देखो ये जोड़ के आठ दो दस ग्यारह तीन चार तीन दो पाँच दो सात एक आठ यानी एट्टी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इससे एक बार जाएगा तो आपके पास यहाँ कहानी बचेगी बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में बचेगा एट्टी वन अब जरा बताओ कि ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है तो आप बोलोगे गुरु जी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है तो ये बताओ ये किसके बराबर एट्टी वन के तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा नाइन तो यानी कि कौन सा ए ऑप्शन सही जवाब तो देख रहे हो मतलब क्वेश्चन जो है कितने मतलब तरीके से डिजाइन किया गया था बताइए समझ में आया सभी बच्चे को मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए इसमें बताइए बोलो सभी बच्चा समझ गया होगा बताओ भाई सभी बच्चे समझे कि नहीं समझे समझे अरे बोल दो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे है, एक पाइप है जो कि 10 घंटे में टंकी को भर सकता है ठीक है भाई और लेकिन लीक होने के कारण उसके तले में जो टंकी है वो 12 घंटे में भर जाएगी यानी कि देखो बच्चों एक पाइप था ए ये टंकी को 10 घंटे में भर सकता था लेकिन यहां पे ना एक लीक था बी अब ये था कि मतलब ये खुला हुआ था तो इसके कारण टंकी 12 घंटे में बढ़ रही यानी कि ए माइनस बी जब काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में टंकी भर रही है सवाल कह रहा है कि अगर टंकी पूरी भरी हो तो लीक अकेला कितने घंटे में खाली करेगा तो बताओ दस बारह कैल्सियम ले लो ना कितना होगा साठ होगा दस के पाड़े में छह बार में बारह के पाड़े में पांच बार में अब बताओ ए अकेला काम कर रहा था तो ए अकेला काम कर रहा था तो छे से काम कर रहा था बी बोला कि मैं मदद करूंगा बी ने ऐसी मदद कर दी कि जो काम छ हो रहा था वो बदल गया पांच में यानी कि बी की एफिशिएंसी माइनस वन होगी बी की एफिशिएंसी माइनस वन होगी तो बी से काम करूंगा तो टाइम इज इक्वल टू साठ यानी कि सवाल का उत्तर साठ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया देखो आयुषी पटेल अंशुल मोहित और विनीत ये सभी बच्चे के त्रिपाठी संजीव जवाब दिए हैं बहुत बढ़िया है, बहुत, बहुत उन्धे तरीके से इसी तरीके से जवाब देते रहिए आगे बढ़ते रहिए ठीक है चलिए अगला सवाल अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है टोटल कॉस्ट ऑफ़ बाल्टी बाल्टी मग, मग, ठो बराबर में रुपया और पांच बाल्टी और आठ मग बराबर में, में सतर रुपया अब सवाल बोला है कि बताओ कि दो मग दो बाल्टिया का कितना दाम होगा बच्चों क्या करोगे सुनो मैंने बोला था जब भी इस तरह का सवाल आए ये मेरे सीट का सवाल है बस वहां पे बात अलग ये हो जाती है कि मैंने वहां पे बल्टी और मग नहीं मैंने वहां पे टेबल चेयर का इस्तेमाल किया ठीक है अब बच्चों ये बताओ एक बार इसको जोड़ दो इसको जोड़ोगे तो कितना होगा आठ और पांच तेरह तेरह बल्टी तेरह मग यानी कि बल्टी प्लस मग तेरह को ले लो कॉमन बानवे सात दो नौ नौ, नौ सात सोलह तो ब, बच्चों बताओ बल्टी और मग मिलाकर तेरह होगा ना भाई कटेगा ठीक है अच्छा एक बार इसको घटा दो एक बार इसको घटाओगे तो आठ में पांच गया कितना तीन तीन बल्टी माइनस मग तो यानी कॉमन होगा बल्टी माइनस मग बराबर दो बारह में सात गया पांच आठ में सात गया एक मिनट ठीक है सही है सही है अब बताओ कि बल्टी माइनस मग बराबर में कितना आ जाएगा पांच आएगा ठीक है अब खुद सोचो कि बल्टी और मग मिलाकर पंद्रह रुपया है नहीं तेरह रुपया सॉरी तेरह रुपया और बल्टी माइनस मग मिलाकर पांच रुपया है तो बल्टी का दाम निकाल नहीं लोगे जोड़ोगे तेरह पांच अट्ठारह यानी कि बल्टी नौ रुपये की मग कितने का आ, मग होगा चार रुपये का ठीक है ठीक है ना बोलो तो बल्टी एक नौ रुपए की मग चार रुपए का तो ये बताइए कि बोला कि दो मग दो मग और तीन बल्टी कितने की तो दो मग दो मग यानी कि आठ रुपए का और तीन बल्टी सत्ताईस की तो सत्ताईस और आठ कितना पैंतीस जो बच्चा मेरी सीट किया होगा तो उसका जवाब आंख बंद करके पैंतीस टिक कर देगा चलो अगला सवाल आयुषी थर्टी आंसर नहीं होगा थर्टी गलत जवाब है थर्टी फाइव आंसर सही होगा हाँ ये सवाल किसको किसको आता है जरा बताओ मुझे पता के त्रिपाठी थर्टी आंसर नहीं होगा थर्टी कहां से आ जा रहा है यार आंसर आप लोगों का हाँ बताओ बताइए इसका आंसर बताओ किसको किसको ये आता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना किस किस बच्चे को आता है अगर आता हो तो हां बोलो नहीं आता तो ना बोलो तो मैं बताऊं बताइए बताओ ना यार जल्दी बोलो आता है तो बोलो हां नहीं आता तो बोलो ना फिर मैं बताता हूं ये एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक का जो कि सिर्फ रेलवे के पेपर में आता है ठीक है जिसको आप लोग हिंदी में कहते हो प्राथमिक सांख्यिकी उसी चैप्टर का यह सवाल है नहीं आता है मुझे पता था चलो बच्चों बच्चों देखो आ, मैं आप लोगों को एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक की पूरी फुल क्लास जो है एक दिन करवाने वाला हूं मैराथन सेशन लेके आ रहा हूं उसका ठीक है ना पूरी फुल क्लास मैं करवाऊंगा जिससे कि जो रेलवे में इसके एक दो क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिल जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे छूटे ना और देखो बहुत ही आसान टॉपिक है मतलब एक बार सीख गए तो आपको फिर दोबारा नजर घुमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ठीक है चलिए मैं आप लोगों को अब बता देता हूं कैसे कैसे इसको करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन हिंदी में मानक विचलन के नाम से जानते हैं इसको ठीक है तो बच्चों देखो सभी लोग सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो कैसे निकाला जाता है बेटा मानक विचलन चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो ठीक है इससे पहले हम लोग निकाल हमें निकालना पड़ता है वेरियंस ठीक है वेरियंस को हिंदी में कहा जाता है प्रसरण या विचलन भी कह सकते हो ठीक है ना वेरिएंस, इसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं और इसको निकालने का क्या तरीका होता है समेशन ऑफ मीन माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे में एन अभी मैं सब बताऊंगा ठीक है और जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो स्टैंडर्ड डेविएशन जब बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो क्या करते हैं जो भी तुम्हारा वेरिएंस आया हो उसका अंडर रूट कर दिया जाता है हमेशा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो सिग्मा होता है ये सिग्मा स्क्वायर होगा तो ये सिग्मा होगा यानी कि जो भी वेरिएंस आएगा उसका अंडर रूट करोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले वेरियंस निकालना पड़ता है और वेरियंस कैसे निकलेगा तो वेरियंस जो निकलता है मीन माइनस एक्स का होल स्क्वायर और सबका सम बटा एन अब ये कैसे निकलेगा ये जानो सबसे पहले बच्चों देखो जब भी अगर आपको इस तरह का सवाल आता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले इसका मीन निकालो ठीक है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे मीन निकालो तो बताओ मीन निकालने का क्या होता है? मीन निकालने निकालने का का क्या होता होता है है यही कि सभी को एक दो तीन चार पांच पांच है ठीक है अच्छा बताओ तेरह बीस? बीस और दस तीस तीस और बीस पचास हो जाएगा दस ठीक इसके बाद सुनो इसके बाद सभी बच्चे ध्यान से सुनना अब हमें ना ये चीज निकालना अब ये चीज निकल निकलता कैसे यह जानिए ठीक है थीके? ये चीज कैसे निकलता है ये जानो भाई सभी बच्चे ये चीज देखो कैसे निकलेगा सुनना मेरी बात सबसे पहले ये ऊपर वाला कैसे निकलता है ये ऊपर वाला देखो कैसे निकलता है समेशन ऑफ मीन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसका मतलब क्या है ये निकलता कैसे ये बता रहा हूं बच्चों देखो आपके पास मीन जो है दस आ चुका है आ चुका है ना अब आपको क्या करना है मीन में से एक्स माइनस अब बोलोगे सर ये एक्स है क्या बच्चों ये जो पूरा सेट है ना इसी को एक्स बोला जाता है ठीक है आपको क्या करना है आपको ये करना है कि मीन में से हर एक एलिमेंट को माइनस करके उसका वर्ग करते जाना है तो बताओ दस में से ग्यारह गया तो कितना बचेगा एक बचेगा वन का स्क्वायर कितना होता है वन होता है फिर दस में से सात गया बचा कितना तीन तीन का स्क्वायर कितना, कितना होगा नौ होगा फिर दस में से दस गया जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा ठीक है फिर दस में से तेरह गया तीन तीन का स्क्वायर नौ होगा ठीक दस में से नौ गया एक एक का स्क्वायर क्या होगा एक होगा और फिर ये आपका जो आएगा टोटल नौ एक दस नौ एक दस यानी कि बीस आएगा अब आपको वेरिएंस निकालने के लिए यानी कि सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा 20 बटे में अब यहां पे एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स देख सकते हो कि कितना है पांच है तो 20 बटा पांच कितना होगा चार होगा अब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा सिग्मा निकालने के लिए क्या करना होता है अंडर रूट वेरियंस तो बताओ अंडर रूट फोर यानी आंसर होगा टू यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हाँ एक क्वेश्चन इससे समझ लीजिए कन्फर्म है कि पेपर में आएगा ये ये जो मीन मीडियन मोड पढ़ते हो ना ये उसी का भाग है ठीक है एक सवाल इसका आना ही आना है ये फिक्स है इसीलिए मैं आपके बोलने से पहले मैं इसके मैराथन सेशन जो है मैं दिमाग में फिक्स कर लिया हूँ और वो कब होगा मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बता दूंगा ठीक है देखो ये पहली बार कर रहे हो ना इसलिए तुम्हें टाइम टेकिंग जरूर लग रहा है अब ये है कि मेरे को यहां पे तो समझाना है इतना मैं समय नहीं लेता हूं इस सवाल को करने के लिए और इसका निकालने का यही तरीका है ये भी मैं आपको बता दू ठीक है बताइए समझ में आया सभी लोगों को फटाफट बताओ जल्दी बताओ यार जल्दी फटाफट आगे बढ़ो मैं समय ज्यादा हो रहा है आज मैं बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूं क्योंकि आगे ना समझ में चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक सवाल बच्चों फिक्स है इसका ये जान लो ठीक है चलो अगला सवाल कह रहे अठहत्तर सौ रुपए को एबीसी में ऐसे बांटो कि एक बटा दो एक बटा तीन एक बटा चार में बांटो ठीक है तो बताइए कि बी का शेयर क्या होगा मुझे लगता है यार इससे आसान सवाल आपके लिए कुछ नहीं हो सकता तो एक बटा दो एक बटा तीन एक बटा चार एलसीएम 12 12 से गुणा कर दो सभी को 12 से गुणा कर दो, दो छ तीन चार चार तीन तो बताओ छह चार दस तीन तेरह तेरह बराबर कितना होता है अठहत्तर सौ के बराबर एक बराबर छ सौ तो किसका निकालना है बी को कितना मिला बी को कितना मिला तो चार बराबर चौबीस सौ बी को चौबीस सौ मिला सी ऑप्शन सही जवाब ठीक Clear? अगला सवाल देखो अब आज के लाइव सेशन में आने से एक नई चीज सीखने को मिली कि नहीं मिली मिली ना चलो टू ट्रेन विच आर 180 मीटर और 170 मीटर लेंथ दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 180 मीटर है दूसरे की लंबाई 170 मीटर है और वो एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं पैरल लाइन पे एक की रफ्तार बहत्तर है दूसरे की चौवन है तो बताओ एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बताओ दोनों जोड़ दोगे तो बताओ आठ सात पंद्रह एक दो एक तीन यानी कि साढ़े तीन सौ ठीक है बटे में अब ये दोनों जुड़ेगा ना क्योंकि वो एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं ठीक है ठीके? एक दूसरे की ओर बढ़ रही है तो बहत्तर और चौवन तो चार दो छः सात पाँच बारह अब इसको पांच बटे अठारह से गुणा करना ही पड़ेगा बस सॉल्व कर लो आंसर आपके सामने ठीक है सॉल्व कर लीजिए आंसर आपके सामने ठीक है क्लियर है ये अट्ठारह से देखो सात बार में जा रहा है और सात पच्चे पैंतीस तो ये दस बार में जा रहा है यानी कि दस सेकंड सवाल का उत्तर हो जाएगा ठीक है ए ऑप्शन सही जवाब ठीक ए ऑप्शन सही जवाब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य पचपन सौ है और इसको हमने 9.09 परसेंट प्रॉफिट पे बेचा ठीक और डिस्काउंट हमने 20 परसेंट दिया था तो बताओ मार्क प्राइस क्या होगा बच्चों ये बताओ ये लगाओ ना आप सी पी रेशियो एम पी हंड्रेड माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट ये लगाओ अच्छा प्रॉफिट नाइन पॉइंट जीरो नाइन बच्चों नाइन पॉइंट जीरो नाइन जो होता है ना वो पता है क्या होता है वो नाइन वन बाई इलेवन होता है और नाइन वन बाई इलेवन वन बाई इलेवन होता है तो ये बताइए कि हंड्रेड परसेंट वन और वन बाई इलेवन ये हो गया ठीक है अच्छा यहाँ पर आ जाओ डिस्काउंट तो ये वन माइनस डिस्काउंट बीस परसेंट यानी कि एक बटा हो जाएगा ठीक है तो बच्चा ये हो जाएगा देखो छः बटा और ये हो जाएगा कितना बारह एक तेरह बटे बारह ठीक है कटेगा नहीं कटेगा ना कट रहे क्या कोई संख्या किसी से कट रही है मुझे नहीं लग रहा कट रहा है चलो नहीं कट रहा तो अब बताओ बारह छक कितना होता है बहत्तर तेरह पच्चे पैंसठ ठीक तो यानी कि सी पी बहत्तर होगा तो एम पी पैंसठ होगा अरे अच्छा देखो मैंने गड़बड़ कर दी ना एक सेकंड एक सेकंड मैंने एक गड़बड़ कर दी मैंने गड़बड़ ये कर दी कि यहाँ पे छः लिख दिया ठीक है यहाँ पे चार बटे पाँच आएगा बाकी सब सही है बारह चौक ये अड़तालीस होगा और वो तेरह बचे पैंसठ होगा ठीक हाँ अब सही हो गया ठीक है अब जरा बताओ सीपी आपको दिया पचपन पैंसठ का मान निकालना है यानी क्या करोगे पचपन सौ बटे गुड़े में 65, ठीक सॉल्व कर लो आंसर मिल जाएगा सॉल्व कर लीजिए आंसर मिल जाएगा अरे यार मैं क्या कर रहा हूं वहां एक बटे ग्यारह लिखा और यहां पे एक बटे बारह लिख दिया हूं ठीक है ठीक है बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो देखो ये कितना हो जाएगा ये बारह बटे ग्यारह होगा ठीक है तो रेशियो खैर चेंज हो जाएंगे सारे के सारे चलिए तो चार के पहाड़े में देखो तीन बार में तो ये ग्यारह और ये पंद्रह ग्यारह पचपन सौ के बराबर तो एक पांच सौ के बराबर तो पंद्रह पचहत्तर सौ के बराबर यानी बी ऑप्शन ठीक बी ऑप्शन सही जवाब क्लियर अगला सवाल अब देखो ये सवाल काफी अच्छा सवाल है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन थर्टी एट फादर और सन का जो सम है वो थर्टी एट है ये प्रेजेंट एज है चार साल पहले की बात है इनके एज का प्रोडक्ट तीन गुना था फादर के एज के फादर के एज का तीन गुना था इन दोनों के एज का प्रोडक्ट बच्चों देखो चार साल पहले की बात है तो हम एक काम करते हैं कि फादर की चार साल पहले एज थी एफ और सन की चार साल पहले थी एस और इन दोनों का प्रोडक्ट जो था वो थ्री टाइम्स ऑफ फादर था तो फादर से फादर कैंसिल तो सन जो है वो तीन साल का हुआ सन तीन साल का चार साल पहले था तो बताओ प्रेजेंट में प्रेजेंट में जो बिटवा है वो कितने साल का होगा प्रेजेंट में बिटवा जो होगा वो सात साल का होगा अगर बिटवा प्रेजेंट में सात साल का हो गया और दोनों की उम्र मिला के अड़तीस साल दी है तो पापा जी जो है इकतीस साल के हुए खेल खत्म इकतीस और सात देखो कहां पर है सी ऑप्शन सही जवाब हटाओ सवाल को ठीक है खत्म हो गया पढ़ने में बड़ा कठिन लग रहा होगा सवाल अगला सवाल कह रहा है बारह बटा तेरह गुणे में दो सौ पचासी बटे छियानबे अब यहां से डिवाइड हटाओ मल्टीप्लाई लगाओ वन सिक्सटी नाइन ऊपर जाएगा वन सेवेंटी वन नीचे आ जाएगा ठीक है अरे बोलो ना समझे कि नहीं समझे चलो अब यार इसे तो सॉल्व करके बता दो इसमें तो कुछ भी नहीं है ये देखो ऐसे ही दिख रहा है ये तेरह से तेरह बार में जा रहा है है ना बताइए ये कितने बार में आठ बार में ये उन्नीस से देखो जा रहा है ये उन्नीस से ज्यादा है ये उन्नीस से नौ बार में ये उन्नीस से उन्नीस से कम उन्नीस उन्नीस पचे तीन के पाड़े में तीन बार में तीन के पाड़े में पांच बार में ठीक है अब कोई कट रहा है नहीं कट रहा है तेरह पचे पैंसठ और आठ टिया चौबीस ठीक है तो चौबीस टिया तो बहत्तर होता है तो चौबीस दुनी अड़तालीस तो यानी कि बी ऑप्शन होगा आंसर ठीक वन मोर क्या भाई कौन सा सवाल पिछला वाला हा पिछला वाला सवाल कह रहे हो क्या ये सवाल कह रहे हो बताओ जल्दी बताओ ये वाला सवाल कह रहे हो क्या बताओ यार जल्दी वीडियो को पीछे करके देख लेना है ना भाई लाइव क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस में यही तो एक फायदा है चलिए अब बच्चों देखो बहुत ही बढ़िया सवाल आप लोगों के लिए डिजाइन करके लेकर आया हूं ठीक है ना बहुत बढ़िया सवाल ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं ये मत सोचना कि सर आपने लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया ऐसे सवाल आ जाते हैं पेपर में ठीक है इसलिए लेकर आया हूं सभी लोग फटाफट इस सवाल को करने का प्रयास करिए ठीक है और भाई स्क्रीन थोड़ा सा आप लोग मतलब बड़े पे कर लेना ठीक है इस तरीके से आप स्क्रीन कर लेना तो आपको सारा सवाल देखो बहुत अच्छे से दिखेगा ठीक है चलिए मैं इंतजार कर रहा हूं देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देगा फटाफट बच्चों इसको करो सॉल्व फटाफट देखता हूं कौन करता है पहले शांति क्यों चाहिए आप लोग कर रहे हो हाँ या ना में लिख दो नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यस नो कुछ तो लिख दो फिर मैं बताऊंगा अगर कर रहे हो तो मैं समय दूंगा नहीं कर रहे हो तो चलो करो फिर करो फिर चलो मैं बताऊं सरेंडर कितना सरेंडर कर दिए इतना आसान सवाल में देखो इधर सभी बच्चे देखो आप इधर सभी बच्चे अब देखो भाई इधर सुनो ये वेन डायग्राम का सवाल है मेरी बात सुनो ध्यान से सभी लोग ध्यान से इधर देखो पर बोला है कि एक सर्वे किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई जो घर घर के लोग जो हैं एसी कूलर फैन इनका इस्तेमाल कैसे कैसे कर रहे हैं ठीक है थीके? तो हमने कहा कि ई है हमारे एसी भाई साहब ठीक है और ई जो है हमारे कूलर भाई साहब और ये जो तीसरा गोला जो है बच्चों ये आपका फैन का गोला है ठीक सब भूल गए हैं चलो मैं बता दे रहा हूं ठीक है अब देखो सवाल क्या कर रहा है सवाल कर टोटल तीन सौ तीन सौ घरों में सर्वे किया गया है ठीक है एसी कूलर फैन इस्तेमाल करने वाले रिजल्ट आया तो रिजल्ट में ये दिखाया 59 जो है वो तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चों 59 को यहां रखोगे 59 नाइन यहां आ जाएगा ठीक है अच्छा अस्सी घर ऐसे हैं जो कूलर और एसी का बच्चों अस्सी घर ऐसे हैं जो कूलर और एसी का तो ये जो अस्सी है ये पूरा होगा ये पूरा होगा यानी ये अस्सी को यहां लिखोगे कई बच्चे यहां पे लिख दिए होंगे और यहां पे जैसे ही लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा सवाल ठीक है अगर ये बोला होता कि केवल केवल ए और कूलर तब तो आप यहां लिखते लेकिन जब बोला है कि कूलर और ए जब बोल रहा है कि कूलर और ए तो यानी वो इस पूरे को इंडिकेट कर रहा है ठीक है अच्छा बहत्तर घर जो है यूज कर रहे हैं ए और फैन को एसी और फैन को बहत्तर यानी कि बहत्तर यहां पर आ जाएगा ठीक है अच्छा उसके बाद एक जो है फैन और कूलर को फैन कूलर एक यहां पर आ जाएगा ठीक है अब बच्चों बताओ तीस जो है केवल ए केवल ए यानी कि तीस यहां पर आ जाएगा और चौहत्तर चो, सेवनटी फोर केवल कूलर सेवनटी फोर केवल कूलर सेवनटी फोर यहाँ आ जाएगा और दस केवल फैन दस केवल फैन यानी यहां पर आ जाएगा अब आप बचा आपके पास ये वाला डाटा ये वाला डाटा कैसे भरते हैं तो आपको पता ही होगा इसमें से इसको घटाकर भरते हैं है ना तो बहत्तर में उनसठ गया तेरह बचेगा बारह में नौ गया तीन छः में पाँच गया एक तो ये आपका आ जाएगा तेरह ठीक अस्सी में उनसठ गया तो इक्कीस बचेगा बोलो ये इक्कीस घर हो गए ठीक है अच्छा अब ये बताओ एक और उनसठ अंतर कितने का आएगा तो बारह में नौ गया तीन और चौदह में पांच गया नौ ये नाइन्टी थ्री हो गया क्लियर ये पूरा डाटा हम लोगों ने भर दिया ठीक है ये डाटा हम लोगों ने बच्चों भर दिया अब सुन लो सवाल कैसे करेंगे बोला कितने घरों में केवल दो उत्पाद का प्रयोग होता है तो कितने घरों में केवल दो उत्पाद केवल दो उत्पाद का मतलब होगा यानी इक्कीस और ये नाइन्टी और ये तेरह सभी को जोड़ दो तीन तीन छः एक सात नौ दो ग्यारह एक बारह एक ए ऑप्शन इज जवाब। बताइए समझ में आया सभी को बताओ यार मैंने इतना मैंने इतना क्लियर इसका आप लोगों को बताया था बताओ क्लास में जब लिया था परसेंटेज में ही मैं इसको कितना अच्छे से एकदम एक एक डेप्थ एनालिसिस में आप लोगों को करवा देता हूँ ऐसे सवाल का याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ परसेंटेज तो पढ़े ही होगा मेरे से कम से कम अरे यार संजीव भाई एक सौ छियासी कहां से एक सौ छियासी जवाब दे दे रहे हो अरे बोलो ना समझ में आया जल्दी बोलो जल्दी बोलो और ये डायग्राम बना लो क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड करूंगा तो डायग्राम मतलब चले जाएगा ठीक है क्लियर हो गया चलो तो अगला सवाल देखो अब इसी पे आधारित है कह रहा है केवल एक उत्पाद का प्रयोग करने वाले कितने प्रतिशत घर हैं केवल एक अब बताओ केवल एक में कौन कौन होगा एक तो आपका तीस हो गया और गोला में देखो आप लोग एक चौहत्तर हो गया और एक हो गया दस तो बताओ ये चार सात तीन दस एक ग्यारह एक सौ चौदह घर है इसका परसेंटेज निकालना है एक सौ चौदह का तुलना किससे करोगे तीन सौ घरों से और मल्टीप्लाई सौ जीरो जीरो कैंसिल तीन के पारे में बताओ तीन तीन नौ तीन अट्ठे चौबीस यानी कि अड़तीस परसेंट बी ऑप्शन ठीक थर्टी एट परसेंट क्लियर क्लियर है अगला सवाल पंखों का प्रयोग ना करने वाले घरों की संख्या बताओ कितनी है मतलब जो पंखे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अब बच्चों देखो पंखे जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे भाई पंखे को हटा देंगे ना है ना मतलब पंखा जितने भी प्रकार से पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम कैसे भी करके हटा देंगे ठीक है ना जितने भी घर पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं जो पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको 300 में से माइनस कर देंगे तो मेरे पास वो आएगा जो पंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ठीक है चलो इसका आंसर बताओ तो फटाफट भाई इसने बोला है कि जो पंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं हम एक काम करते हैं कि भाई तीन में से जो पंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको माइनस कर दो तो से सवाल का खेल खत्म हो गया ठीक है तो देखो गोला तो मैं बनाई दिया हूं आप लोग सॉल्व कर लेना और मुझे लग रहा है कि 125 जो है इसका सही जवाब भी है है ना तो बताइए मुझे लगता है अब यही लास्ट सवाल है ठीक है तो बताइए कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को फटाफट से सभी लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कैसा लगा आज का सेशन आज के क्वेश्चन का लेवल आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को फटाफट कमेंट करके बताओ फिर मैं मिलूंगा आप लोगों से फिर दोबारा कल ठीक है दोबारा कल मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगा एक नए सेशन धुआंधार सेशन के साथ लेकिन उससे पहले आप बताइए आपको सेशन आज का कैसा लगा बताओ यार जल्दी फटाफट बढ़िया Even ये जान लीजिए जो बच्चे एस की तैयारी करते हैं ना उनके लिए बहुत बढ़िया है ये भी मैं आपको बता दूं हालांकि मैं रेलवे ओरिएंटेड ही बनाता हूं लेकिन एस वाला बच्चा भी देखो फॉर्म भरा ही होगा एनटीपीसी का मुझे पता है शानदार बहुत बढ़िया तो चलिए अगर बहुत बढ़िया लगा तो यार और भी बाकी बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास किया करो है ना ऐसे ही मैं धुआंधार सेशन डेली के डेली आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा ठीक है देखिए हम लोगों का मोटिवेशन भाई इससे हमें फीस तो मिल नहीं रही है तो हमारा मोटिवेशन क्या है हमारा मोटिवेशन बस ये है कि लाइव सेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे रहें ठीक है तो अब आप देख सकते हो मैंने आप लोगों से बोला था ना ये जो है मैं पेड का पेड का मतलब मैंने ये कंटेंट बनाया था लेकिन देखो ये मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ तो आपको पता भी लग गया होगा कि पेड़ का मतलब कंटेंट कितना बेहतरीन रहता है है ना चलिए ओके थैंक यू क्लास एंड अ नाइस डे